जेवर एयरपोर्ट के काम के लिए किसने जारी किया ई टेंडर? कहां होगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की बैठक? क्या जून 2021 में वाकई शुरू हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट का काम? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और जेवर एयरपोर्ट की लेटेस्ट खबरें लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। जैसे जैसे जून 2021 नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जेवर एयरपोर्ट को लेकर हलचल तेज होती जा रही है। YIAPL यानी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने जेवर में एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। स्विस कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल की 100% सब्सिडियरी कंपनी YIAPL ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य के लिए ग्लोबल ई टेंडर जारी किया है। इस टेंडर के जरिए दुनिया भर की कंपनियों से आवेदन मंगाए गए हैं। यूपी सरकार और उसकी तमाम एजेंसियां जेवर एयरपोर्ट के काम की स्पीड को लेकर बेहद गंभीर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों को साफ हिदायत दे चुके हैं कि एयरपोर्ट से जुड़ी कोई भी फाइल अटकनी या भटकनी नहीं चाहिए। सीएम की सख्ती की वजह से ही एयरपोर्ट से जुड़ी कागजी कार्यवाही एक एक करके निपटाई जा रही है। बैठकों का दौर भी जारी है। इसी के तहत NIAL यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने लखनऊ में जल्द से जल्द एक बैठक बुलाई है। NIAL यानी नियाल नाम की कंपनी में उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी शामिल हैं। नियाल के बोर्ड में यूपी के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश, तीनों अथॉरिटीज के CEO और यूपी सरकार के अन्य अफसर शामिल हैं। संभावना है कि नियाल की ये बैठक 16 अप्रैल को होगी। इस बैठक में एयरपोर्ट से जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दरअसल यूपी सरकार जेवर एयरपोर्ट को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहती है। इसे वर्ल्ड क्लास बनाने में यूपी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यूपी सरकार का दावा है कि एरिया के हिसाब से ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अभी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट अमेरिका का ऑरलैंडो एयरपोर्ट है। उसका एरिया 5,383 हेक्टेयर है, लेकिन 5,845 हेक्टेयर में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण होने के बाद ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाना अपने आप में एक जटिल काम है। कई तरह के अग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन एयरपोर्ट निर्माण की प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन जिस लगन से यूपी सरकार इसे लेकर एक्टिव है उसे देखकर लगता है कि जून 2021 में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जा सकता है।